पोवन टनल में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। कोशिश यही है कि उसमें फंसी जिंदगियों को जितनी जल्दी हो सके बचा लिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर फटने से आई तबाही से अभी उबरने की जद्दोजहद जारी है। जोशीमठ के तपोवन में पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 30 से अधिक लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन रात एक कर चुके हैं। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का, पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो दो लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज्यादा से ज्यादा मलबा निकाल पाएंगे। इस टनल से मलबा निकालना आसान नहीं, लेकिन मिशन को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल है और हर एक बीता हुआ पल उन पर भारी पड़ रहा है। जो लोग टनल में फंसे हैं, संभावना है कि वो टनल में आगे पड़ने वाले एक टी पॉइंट के पास हो सकते हैं। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, दो मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी एजेंसियों के साथ बैठक भी की है। जो लोग लापता हैं, उनमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे मजदूरों के अलावा आसपास के गांव वाले शामिल हैं। एनटीपीसी का 480 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट का ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट फ्लैश फ्लड की तबाही में बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। अभी जो लोग 35 के करीब अनुमान है कि टनल में फंसे हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 90 मीटर से अधिक कह सकते हैं कि वहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमारी टीम पहुंच चुकी है, और अभी लगभग 50 मीटर आगे चलकर टी पॉइंट है। तो ये संभावना की जा रही है कि टी पॉइंट से राइट हैंड साइड पर ये श्रमिक वहां पर सुरक्षित हो सकते हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और जोशीमठ से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ आज तक।